कमाल है। तो आपको सारा क्या नजर आया था आगा में वैसे, बाय द वे क्या चीज अट्रैक्ट की थी? नहीं उस आगा की तरफ नहीं देख, इधर देखिए नताशा की तरफ देख के बात करनी है। हाँ। नताशा को बता, नताशा को बताओ मेरे बारे में। हाँ बताओ। नहीं पहले तो मैं अभी हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे बिकॉज यू नो जब तक ऑफिशियली कुछ होना जाए तो बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी खामियां अच्छाइयां हैं तो तभी डेफिनेटली निकल गया मुझसे ना। पोजेसिव होना मुझे लगता है खामी नहीं है, अच्छाई है। अगर आप नहीं हो तो मुझे लगेगा कि आप यू नो आप पोजेसिव ही नहीं अपने अपने उसके लिए जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो खामी होगी शायद, लेकिन पोजेसिव होना खामी नहीं है। खामी नहीं है? नहीं। क्या बात है, जैसे आपकी खामी है जैसे तुम्हारे ऐप भी सवाब लगे ना, समझ लो कि उसे तुमसे प्यार है, और जिसकी ऐप तुम्हें सवाब लगे उसे तुमसे प्यार है। तो आप लोगों का कुछ समझ में आती है कहानी पे? कुछ कहानी जमती है? हाँ हमें बहुतों की कहानियां समझ में नहीं आई, हमें खुशी है हमारी समझ आ जाए किसी को। अच्छी बात है ना, समझ आनी चाहिए कहानी की, कहानी वो होनी चाहिए जो किसी को समझ ही ना आए। बिल्कुल आनी चाहिए यार, जब तक आपको कहानी समझ में ना आए जिंदगी की फिल्म मत शुरू करना कभी भी। कहानी समझ में आ जाए तो एक्शन। बिल्कुल सही, और एक्शन में जल्दी, आपकी तरह फिर एक्शन में थोड़ा बंदा डिले ना करता था। फिर वही बात हो गई, ये तो ऊपर वाले को पता है। हाँ। जिस दिन आपको वो इंसान लगे और आपको श्योरिटी मिल जाए तो इट डजंट मैटर आप 50 साल के हैं या 25 साल के हैं या 28 साल के हैं। सी हम सब जितने लोग बैठे हैं आज हॉल में MCR PCR से लेके यहाँ तक, हम इन दी एंड सब खुश होना चाहते हैं। ठीक। और दूसरी कोई रेस ही नहीं है ना खाने के पीछे है। आप खाना क्यों खाते हो? फिर आप खा के दिखाओ एक महीना खाना अकेले बैठ के, तो आपको खाने से भी कोई वो नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंग। इन दी एंड वी जस्ट वांट टू बी हैप्पी। हम एक दूसरे के साथ अपना ये छोटा छोटा मोमेंट्स है जो ये सब शेयर करना चाहते हैं। और खुशी आप लकी हो या अनलकी हो ये तो मैं मान सकता हूँ। हाँ। पर ये फैसला शादी का मुझे नहीं लगता कोई गलत फैसला है, वो बंदा गलत होता है जो कहता है। आपने कहा फैसला गलत है? मुझे तो बहुत ही इनकी बातों से बहुत ज़्यादा झटका लगा है। ये बोल रहे हैं कि शादी का एक, मुझे जो मेरे पास ओपिनियन है शादी का वो ये है कि जब आपकी वाइफ जो होने वाली हो अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो शादी नहीं है। नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे और जो उसकी यू नो आप नई नवेली दुल्हन हो और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शादी करता हूँ और मैं टूर पे चला गया या एक महीने दो महीने के लिए मैं बाहर चला गया आउट ऑफ कंट्री और वो बेचारी पीछे कुड़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो साथ ले जाओ यार। हाँ? नहीं फिर उस जो जो चैटिंग होती है उसके ऊपर ही लड़ाइयाँ होती है। मैं तो देखो इस मैसेजेस आते हैं बड़ा बड़ी सही बात है बिकॉज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ। अब मैं म्यूजिक भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, लिखता भी हूँ, मैं अपने गाने भी खुद ही कंपोज करता हूँ। सो आई हैव टू बी एट 7 different places to do and now there's another thing. Yes. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास इनको देने के लिए या फैमिली को देने के लिए वक्त नहीं है। सारा कभी आपको लगा कि बिजी है बहुत ज्यादा बंदा, इग्नोर मार रहा है कोई, इतना टाइम नहीं, लिफ्ट नहीं करा रहा? कभी मैं शायद इग्नोर कर देती हूँ लेकिन हाँ। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। जुल्म मेरे पे हो जाता है। मैं कभी नहीं करता। Because you're so caring? No, it's just because I think मैं बहुत छोटा था जब वालिद साहब गुजर गए और बहुत जल्दी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दो बच्चे ऑलरेडी हैं, एक मेरी माँ और एक मेरी बहन। एंड अभी 6 साल हो गया है और व्हेन आई कम्प्लीटली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं शायद महीने में 20-22 दिन घर पे नहीं होता। पर एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे घर वालों ने ये कंप्लेन किया हो दैट वी नीडेड यू बट यू वर नॉट देयर। यू वर नॉट देयर, वेरी गुड, वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखने में तो बड़े केयरफ्री, लव वाली, एक बड़े ही इज रिस्पांसिबल। सही, एंड दैट्स वन थिंग आई थिंक आई एम श्योर यू लाइक लव्ड अबाउट हिम। हां सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने भी गाने का जिक्र किया जी, तो हमारे पास दो सिंगर हो गए भाई। नहीं हमारे पास सिंगर एक है, सिंगर एक वो फलक है। नहीं नहीं दो सिंगर है, क्योंकि आप देखो मैंने आगा के गाने सुने हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है। तो मैं चाहूंगी आप दोनों मिलके, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज इतना अच्छा मौका है, इन लोगों ने अनाउंस किया है तो, और ईद का दिन है तो मैं चाहता हूँ आगा एक गाना डेडिकेट करें सारा को। आपका साथ तो रोज गाना डेडिकेट करता हूँ, जरा लाइव पब्लिक के सामने ऑडियंस हमारी जो है आज लगता है खाना ज्यादा खा गया है यहाँ। अरे आप लोग तालियां बजाए, गोश्त ज्यादा तो नहीं खा लिया? साथ गाएंगे सब मिलकर, हाँ क्योंकि ईद का दिन है और जितने भी इस वक्त A+ के और ATV के व्यूअरशिप हमें देख रही है उन सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक। गोश्त कम खाइएगा। फलक में साथ है नताशा, सारा और आगा।
आपकी इजाजत हो तो सारा से कुछ सवाल जवाब कुछ बातें कर लूं? अगर आपको जवाब मिल जाए तो जरूर कर लें। वाकई इतना मुश्किल है जवाब मिलना? सारा देख ले, आगा ने अच्छा खासा आपको मशहूर कर दिया कि सारा। मैंने सुना था कि लड़कियां काबू करती हैं लड़कों को, यहाँ पे तो लड़के ने काबू किया लड़की। अरे नहीं नहीं, ओ सर आपने डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर सर, वो तो आपको पता नहीं है अभी जी। अच्छा सारा, आपकी कमजोरी डैश है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। रियली? या यू आर स्ट्रांग वुमन? या अच्छा मैं ऑप्शंस देती हूं। हाँ, मेरी कमजोरी डैश है शॉपिंग, मेकअप या गपशप। ओह ऐसे, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अच्छा एक्टर्स को आपने रेट करना है। ओह अच्छा, आगा अली 10 out of 10। 10 out of 10, वाह क्या बात है। ये तो बायस हो जाएगा, मेरे बारे में नहीं पूछना चाहिए। हसी जेनरस है। दानिश तैमूर 7। फवाद खान 10 10 10। या आगा और फवाद दोनों 10, दोनों अच्छे, दोनों अच्छे। मैं क्योंकि मजबूरी है एंड आई थिंक खान साहब तो आई लव यू। खान साहब कहाँ हैं आप? अच्छा हमारे सेट पे नहीं आया? नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, वी ऑल लव देम, वी ऑल लव सच अ वंडरफुल एक्टर। अच्छा ये सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब डैश होता है। गुस्सा आता भी है? अच्छा मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, सीरियसली मुझे। चैलेंज देती हूं आप, अगर इस शो में जाने से पहले पहले आपको गुस्सा ना आए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, क्या हो गया? कब आता है मुझे? आगा नहीं आता वैसे, कभी नहीं आता मुझे। ऑनेस्टली मुझे गुस्सा बहुत कभी कुछ बहुत ज्यादा कुछ बड़ा बात हो जाए तो आता है, वरना मुझे नहीं आता, कभी नहीं आता। छोटी बातों पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, समझ से डिस्कार्ड कर दे। चलो वो बड़ी बात क्या होती है जिसका गुस्सा आता है? बड़ी बात मतलब कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, कोई बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके, बदतमीजी भी कोई नेक्स्ट लेवल पे जाके, वरना मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और मैं सारा सेट भी पहुंची और वहां सेट पे बाथरूम साफ नहीं है तो फिर गुस्सा आ जाता है। ये तो हर एक्ट्रेस का प्रॉब्लम है। अरे फिल्म में सबसे ज्यादा जरूरी है आइटम सॉन्ग, मैसेज या एक डैशिंग सा हीरो? हीरो 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 के बगैर फिल्म नहीं बन सकती। नहीं, गुड, क्या बात है। मेरा ख्याल था आप कहेंगे आइटम सॉन्ग। नहीं, अच्छा एक ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बगैर आप रह नहीं सकती। ब्यूटी प्रोडक्ट जो हमेशा काफी, मैं एक्चुअली काफी, मैं होम रेमेडीज मेरी बड़ी हैं। अच्छा, जिनको मैं वो करती हूँ, तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती, मैं बाकी घरेलू चीज़ें बड़ी इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि दही। तो आपके बैग में दही हो गया, मलाई हो गई, शहद हो गया, वो वाली चीज़ें। ओह गुड। मेरे बैग में मेरे बैग में रेड लिप कलर हमेशा होता है। लगाती तो आप कम है रेड लिप कलर? नहीं मैं बहुत लगाती हूँ, बहुत लगाती हूँ। रेड कलर की लिपस्टिक। आपको ख्वाहिश है डैश की? मुझे ख्वाहिश है, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश है। कोई एक सुप्रीम? आई डोंट नो, एक कोई एक नहीं बता सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं। अच्छा मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा घर बनाऊँ जहाँ दिन में 3 टाइम में लोगों को खाना खिलाऊँ। मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। 3 टाइम में लोग खाना खा रहे हो? लोग मतलब कि गरीब लोग, जहाँ वो आके खाना खा सकें और मैं उनसे खाना खा सके, मतलब कि पैसे दे के नहीं, मेरी तरफ से खाना खा सकें। अच्छा। जैसे ईडी सेंटर हो गया, हमारे और भी जगह हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबों को फीड कर सकूँ, मैं कोई एक ऐसी जगह बना सकूँ या मैं किसी को पढ़ा सकूँ। और मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। सारा लोग कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जब घूमने जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी है, मुझे मालदीव जाना है। मैंने आपको बता दी मालदीव। वाह, अभी तक मालदीव नहीं गए आप? बट दैट्स एक्चुअली ट्रू, आपने अभी जो कहा वो बड़ा सही था। सारा की ख्वाहिशात ऐसी ही होती हैं एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज व्हाई आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय, कि हर किसी का ख्याल रखने की जो एक जज्बा होता है ना, वो हर किसी में नहीं होता। अपनों का तो आप रखते हो, भाई बहन, माँ बहन, माँ बाप का सब ख्याल रखते हैं, पर असिस्टेंट से लेके किसी को रोड पे भी देख लिया अगर, तो दैट पैशन ऑफ कि मैंने मदद करना है, बहुत कम मिलता है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। सो आपकी खूबसूरती की महल ये शायद एक वजह है, वन ऑफ द रीजंस। जिंदगी डैश है खूबसूरत, जिंदगी बहुत खूबसूरत। वाह वाह, जिंदगी खूबसूरत है। फेम और मनी, पैसा या शोहरत? पैसा बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है।
के बगैर गुजारा है। सुनिए, अगर पैसा होगा ना मेरे पास तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ शोहरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? गुड। ये क्यों जनाब? मर्द के अगर ये सवाल मर्द से चले, आपसे भी पूछ लेती हूँ। फेम पैसा, पैसा या शोहरत? मी फेम आगा बिकॉज के पास पैसा होगा ना, तो खाली खाली तारीफ से पेट भरता नहीं। पैसा होना बहुत जरूरी है। आगा ने कितनी कमाल बात किया, पैसा सबसे पहले होना, उसके पास होगा ना तो मैं शोहरत गुजारा हो जाएगा। अच्छा नहीं, सच्ची बात बताऊं ना, सीरियसली, तो हमारे डिपार्टमेंट शोबे में अगर हम मशहूर नहीं है तो हम पैसे नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही। जितना हम मशहूर होते हैं, जितना टीआरपी खींचते हैं, जितना लोग देखते हैं, उतने ही हम अपना पैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे लिए टेक्निकली फेम जरूरी है। ठीक है, खाली पैसा रख के मेरा बनेगा नहीं। नहीं, अगर ये बात आप कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फेमस इंसान था वो एनेक वाला जिन था, लेकिन वो आज रो रहा है। फेम मेरे ख्याल से एक होता है, एक होता है पैसा लगाए, होता है मशहूर होना, एक होता है मशहूर रहना। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, नॉट एवरीबडी कैन सस्टेन। हर कोई पहला छक्का तो सबका लग जाता है। कितने क्रिकेटर्स हैं जो आते हैं एक मैच अच्छा खेलते हैं, उसको बनाए रखना 6, 8, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल, वो सबसे बड़ा कमाल है। अगर आप उस शोहरत को कायम रख सकते हैं। एनक वाला जिन, आई नो सर, मैं उनसे मिला भी था पिछले दिनों, उनकी स्टोरी चल रही है। आई ट्राइड ऑल्सो, मैं अपने एंड पे जो भी कर सकूँ, बट आप नहीं क्लेम कर सकते। आप 10 साल बाद आगे ये नहीं कह सकते कि यार भाई मेरा एक गाना इतना सुपरहिट हुआ था, क्यों मुझे काम नहीं दे रहे हो। That's the point. आपको ही उतना अच्छा काम करना पड़ेगा बार बार, ताकि ये लोग पसंद करें। इनका कोई दीनमान नहीं है, इनकी एंटरटेनमेंट दीनमान है। अगर ये बात है तो मेरे ख्याल से एग्री करते हैं आप।